शिवाय दोस्तों। अभी हम जो फूल लेके आए थे सुबह सुबह, हमने भगवान जी को चढ़ा दिए और चोट लगा दी। सो गाइस, आपको अभी बैकग्राउंड में बांसुरी की धुन सुन रही होगी। तो ये जो धुन है, ये मेरे जो ससुर जी हैं वो बांसुरी बजाते हैं। बहुत अच्छी बांसुरी की आवाज है, आप भी सुनिए। और हनुमान चालीसा वो बांसुरी के धुन में बजा रहे हैं इस समय। मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बट इस ब्लॉग में नहीं, आगे। तो वो आपके लिए सस्पेंस रहेगा। उससे पहले मैं अपने पिछले ब्लॉग में आपको ये नहीं दिखा पाई थी, बिकॉज आकी और मौली ने आतंक मचाया हुआ था। मैं दिखाती हूँ, जो ये है, ये चीज इसके अंदर देखिए कितने सारे हैं। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। ये हिमाचल में मैक्सिमम जगह होती है, देखो इसमें कितने सारे हैं। सो गाइज, अभी मैंने ये जो आपको फली दिखाई है, आपको याद है मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाने की कोशिश की थी, बट मौली और आकी ने जो आतंक मचाया था, मुझे बनाने नहीं दी थी वीडियो। सो गाइज, मैंने आज सोचा कि मैं आज अलग से ये ब्लॉग बना लेती हूँ, ताकि मैं अपनी होली की भी प्रिपरेशन कर सकूँ। सो गाइज, अभी हमने इस फली को मैंने खोल करके एकदम खाली कर दिया है। इसके अंदर जितने भी ये थे सारे निकाल दिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से सूख चुकी है प्रॉपर। और अब जो काम की चीज़ थी मैंने वो अलग कर ली, और ये जो खाली फली है इसको हम अब फेंक देंगे, इसके काम ख़त्म है। सो गाइज, अभी मैंने आपको दिखाया जो ये फ्लावर्स हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और हमारा कुछ ऐसा आइडिया है कि हिमाचली कैप में तो इसको यूज़ करते ही करते हैं, बट जब भगवान जी की पूजा करते हैं तो भगवान जी को भी तो हम फ्रेश माला चढ़ा सकते हैं इन फ्लावर्स की। तो हम अगर लंच में आज टाइम बचा तो हम भगवान जी के लिए इन फूलों को यूज़ करके एक फ्रेश माला बनाएंगे, जो हम होली वाले दिन भगवान जी को चढ़ा भी देंगे। और वो भी मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे हमने भगवान जी को चढ़ाया और पूजा करी। तो अगर आपको लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, तब आपको पता चलेगा हमने एग्जैक्टली किया क्या आज इसमें। और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक भी कीजिएगा। सो दोस्तों, फिर मैंने ये फाइनली ये जो फ्लावर्स थे इनको मैंने थैले में भर के रख दिया, और ताकि मैं इसको बाद में यूटिलाइज़ कर सकूँ और लंच में आकर के इसकी माला बने तो माला बनाऊँ, या फिर कोई फ्लावर्स बने तो फ्लावर्स बनाऊँ। तो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या। सो लंच में आपसे मिलते हैं। मोलू मनाएगा होली मनाएगा? मोलू नहीं मनाएगा। सुंदर लग रहे हैं ना मोली फ्लावर्स? कहाँ है मोली? मोली फ्लावर्स कहाँ पे? बाहर जाना है इसने धूप सेकने। खा के दे तू, ये नहीं खाना, तू है गंदा है ये गंदी। मेरा बच्चा, ओले मेरा कुत्ता, खुश होता है कैसे? खुश होता है ओ, कितना खुश होता है जब हम आते घर में, बहुत पारी कर दी, किची कर दी, किची कर दी बहुत सारी। हेलो गाइस, सो अभी हम ऑफिस से आ गए हैं। ऑफिस से आने के बाद मैंने आपको बताया था ना, जो ये वकली पत्तियां हैं इनके फ्लावर्स हम बनाने की सोच रहे थे। फ्लावर्स क्या माला ही बना लेंगे हम। हमने सोचा कि नया आइडिया है कि हम माला बना लें भगवान विष्णु जी के लिए, ऐसे बना लें। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हिमाचली टोपी, ये प्रिंस के इनके शादी की टोपी थी। इस शादी की टोपी में देखो ये फ्लावर्स ही यूज़ हैं। ये जो ये है ना, ये चीज़ें, ये वाले जो ये चीज़ है, इन्हीं को यूज़ करके, इन्हीं लीव्स को यूज़ करके ऐसे बनाया हुआ है। इसमें एग्जैक्टली सेम है,
ऐसे पत्ती को पहले फोल्ड किया है, फिर उसको इस तरीके से लगाया है। मौली को भी मन कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। कहाँ भागेगा मेरा मौला, मो बच्चा, जाओ जाओ मैं कर लूँगा, है ना, यहाँ बैठो। तो देखते हैं सुई। तो यहाँ मैं फाइनली सुई धागा लेकर के बैठ गई थी कि मैं इसको सिल दूँ, अब माला बनाने के लिए शुरुआत कर दूँ, ताकि ये काम जल्दी निपट जाए और जल्दी मैं भी फ्री हूँ और ऑफिस जाऊँ वापस। तो देखिए आप आगे मैं कैसे इस फूलों को यूटिलाइज़ करूँगी, कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ, रैप कर रही हूँ और थ्रेड से इसको सिल रही हूँ साथ में। सो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने इसको जल्दी ही बना लिया था। यहाँ से भाग गई थी और यहाँ आकर के खड़ी हो गई है, देख रही है कि क्या कर रही है, बना क्या रही है इनका। मोलू का चाहिए बीड कॉर्नर किया हुआ है, त्रिकोण करके ऐसे बनाया ना मैंने, जैसे ये बनाया त्रिकोण ऐसे बनाया, चाहे हम इसको ऐसे लंबा करके डाल दें ऐसे प्लेन, तो बस सुंदर लगनी चाहिए और क्या। देखती हूँ अगर अच्छा लगा ऐसे तो ऐसे डाल देंगे हम, अदरवाइज ज़्यादा के डाल देंगे। फ्लावर में अच्छी लगेगा ना, दिखेगा यहाँ फूल, ईजिली बन भी जाएगा ना वो त्रिकोण करना, मैले हो जाएंगे कितने दिन चलेगा। त्रिकोण में ऐसा ना कि बीच में गैप डाल सकते हैं, जैसे एक को गांठ मारी ऐसे करके, तो अभी हमने दो इसमें कर दिया। मैंने एक सोचा ट्राइकोन करके बनाऊं और एक ऐसे बना दिया, अब एक और मैं काट मार के देखती हूँ अगर होता है ये, ऐसे सुंदर से लगेगा ना फ्लावर। मोड़ी देखते हैं, मैं इसको डालती हूँ पहले। सो गाइज जो मैंने अभी इसमें तीन वो डाल दिए ऐसे करके, मैं सोच रही हूँ माला बनाऊँ एक पूरी गोल करके, ताकि हम कल जब पूजा करें तो भगवान जी को चढ़ा पाएँ। और गाइज अब जैसे इस कैंप में ये लगा है ना, अब ये सोचो शादी के टाइम इन्होंने ली थी और तब से ये अभी तक एज इट इज़ है इसके ऊपर। तो देखते हैं हम ये जो माला बनाएंगे ये कब तक रहेगी। सो गाइज मैंने इसकी एक्सपेरिमेंट ही किया है, पहले कभी बनाया नहीं है, तो अभी ये मैंने एक लड़ी तैयार कर दिया है। मैं सोच रही हूँ दो लड़ियाँ ऐसी बना करके इस तरह से भगवान जी को लगाएं, जब लंबी फोटो है तो ऐसे करके हम उनको पहनाएंगे, मैं सोच रही हूँ ऐसा, बाकी देखते हैं आगे। सो गाइज मैंने सेकंड वाली ऐसे बना दी, ये सेकंड वाली बनाई है एंड ये मैंने फर्स्ट वाली बनाई है। मैं सोच रही हूँ इन दोनों को ऐसे करके या कैसे भी मर्ज करके भगवान जी के सामने ऐसे करके लटका देंगे दोनों साइड से, बड़े सुंदर लगते हैं ये। और हो सका तो मैं सोच रही हूँ इस कैप के लिए भी एक नया डिज़ाइन करके देखते हैं, या इसी में लीव्स ऊपर से लगा दूँ, जो अच्छा लगे वैसा कर लेंगे। इसकी हालत देखो आप ना, जो ये थोड़े से पुराने हो गए हैं, वैसे देखने में बुरे नहीं लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और गाइज ये इतना कॉस्टली भी नहीं होता, अगर आप हिमाचल आते हैं तो आप खरीद सकते हैं किसी भी शॉप से, तो मैक्सिमम 50 रुपये तक का आपको ये मिलेगा, बाकी सस्ते से सस्ता 10 रुपये का मिल जाएगा अगर किसी अच्छे होल सेलर के पास जाके आप खरीदेंगे, बट अच्छी चीज़ है। और ऑनलाइन ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी इसका मुझे आइडिया नहीं है, अगर मुझे कहीं ये अवेलेबल दिखा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे आप मीशो पे भी चेक कर सकते हैं, तो आपको अगर होगा अवेलेबल तो दिख जाएगा। मैंने सोचा था टोपी के लिए बनाऊंगी, बट मैंने फिर एक ये सिंगल सा ऐसा मैं सोच रही हूँ, ये दोनों माला जो एक बनाई है उनके बीच में इसको लटका देंगे ऐसे, फ्लम्स थोड़ा बड़ा सा लगेगा और अच्छा भी लगेगा देखने के लिए, तो ये मैंने सोचा ऐसे। मेरे से जितने हो सके मैंने उतने फ्लावर्स यूटिलाइज़ कर लिए, और इसके चक्कर में मैंने आज, क्योंकि मंडे है तो मैंने फास्ट भी है, मैंने अभी कुछ भी फास्ट में नहीं खाया और मैं ये फूल बनाने ही लग गई थी। तो देखिए इतने सारे ये बच गए और ये मैंने फूल बनाए हैं ऐसे। मिलका एक वो लेके चलेगी इसको, शायद उसका सीड अच्छा लग रहा होगा, ले गई वो चलेगी उधर ले करके, इसको खेलने के लिए कुछ भी मिल जाए बस खेलना है इसको। ऐसा कुछ है जो मैंने बनाया है ये लंबे वाला बीच में घुस गया है यहाँ पे। तो गाइस कमेंट कीजिएगा अगर आप मेरी ये क्रिएटिविटी अच्छी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना। रखने के लिए भी देखना कैसे रह रहे हैं ये, ऐसे नीचे रखा ना एक लेयर बाय लेयर ऐसे रह जा रहे हैं, फ्लैट है ना सरफेस।
में भी कितना अच्छा लग रहा है ऐसे करके रख रहे हैं, तो एकदम नीचे तक जा रहे हैं ये ऐसे।